छोटा नेवला। एक समय की बात है, एक छोटा नेवला था जिसका आधा शरीर सुनहरा था तथा आधा शरीर भूरा। वो जंगल के अनेक हिस्सों में घूमता रहता था एवं जहां भी जाता जमीन पर लौटकर अपना शरीर ये सोचकर देखता कि आधा भूरा शरीर भी सुनहरा हो गया होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इससे वो बहुत दुखी हुआ। एक दिन नेवला घूमता भटकता महान प्रतापी पांडवों के साम्राज्य में जा पहुंचा। वो नगर के निवासियों को भोजन तथा उपहार दे रहे थे। नेवला एक वृद्ध के पीछे खड़ा हो गया तथा घटनाओं को देखने लगा। पांचों पांडव कितने सहृदय सज्जन एवं परोपकारी हैं। उन्होंने ना जाने कितने त्याग किए। वो सदैव निर्धनों की सहायता करते हैं। ऐसी बात है, यदि उन्होंने अपना भोजन दान में दिया तब तो ये एक महान त्याग होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं यहाँ भूमि पर लौटूंगा तब तो फिर मेरा बचा हुआ आधा शरीर भी सुनहरा हो जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? नेवला जमीन पर लौटा किंतु भूरा रंग सुनहरा नहीं हुआ। हाँ? त्याग का अर्थ दूसरों की सहायता हेतु वस्तुओं का दान है, न कि किसी की आवश्यकता की पूर्ति। दोनों बातों का अर्थ तो एक ही है। नहीं नहीं, मैं यहाँ से कुछ दूर एक गांव में रहता हूँ। वहाँ हरिदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपने पुत्र, अपनी पुत्र वधु तथा अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक बार वहाँ भयंकर अकाल पड़ा एवं सभी ग्रामवासी भोजन के बिना तड़पने लगे। अनेक लोग भुखमरी से मर गए। हरिदास का परिवार कई दिनों से भूखा था। एक दिन हरिदास के एक दोस्त ने उसे थोड़ा सा आटा दिया। उसकी पत्नी ने उस आटे से चार रोटियां पकाई तथा सभी चारों खाने बैठ गए। उसके पश्चात क्या हुआ? उसी समय एक भिखारी उनके घर पर आया। चूंकि एक रोटी उसके लिए पर्याप्त नहीं थी, अतः उन्होंने उसे चारों रोटियां दे दी। उस भिखारी ने सारा खाना खा लिया, किंतु दूसरे ही दिन उस निर्धन हरिदास का पूरा परिवार भूख से मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं ये सब देख रहा था। मैंने थोड़ा आटा गिरा देखा और उस पर जाकर लौटने लगा। तुरंत ही मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया। उसी दिन से मैं आधे बचे भाग को सुनहरा करना चाहता हूँ, किंतु अब ये होता ही नहीं है। ये तो वास्तव में एक महान त्याग था। तुमने मुझे सच्चे त्याग का वास्तविक अर्थ समझा दिया। छोटा नेवला सहृदयी एवं त्यागी लोगों की तलाश में दूसरे शहर की ओर चल पड़ा। ये सभी छोटी कहानियां स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई। वो विश्व स्तर पर अपने ज्ञान एवं दृढ़ शिक्षा हेतु तथा मानव कल्याण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा द्वारा देश में जागृति फैलाई। उनके भाषण ने लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी कहानियां, उनकी शिक्षा तथा उनके रहने का ढंग लोगों के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्र से थोड़ी दूर पर एक कुएं में काला बड़ा मेढक रहता था।